दोस्तों, अगर आप मथुरा में हैं या मथुरा जाना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, ताकि आप जान सकें कि कौन सी वह वो 10 जगह हैं मथुरा की जहाँ घूमने जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन सी वह जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, लठमार होली। अगर आप मथुरा जाएं तो लठमार होली देखने के लिए आपको होली के टाइम पर जाना पड़ेगा। होली के टाइम पर मनाई जाने वाली ये होली लगभग 4 से 5 दिन ये चंदगांव और वृंदावन में ये होली सेलिब्रेट की जाती है। अगर आप मथुरा जाएं तो यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी आकर्षित विजिटिंग प्लेसों में से एक है मथुरा का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत 8 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ी है जो कि वृंदावन में स्थित है। ये पर्वत कंसिडर है पवित्र वैश्वनाथ के लिए। अगर आप यहाँ जाएँ तो जा सकते हैं। अगर आप मथुरा में हैं, यहाँ जाना चाहते हैं तो काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है मथुरा की। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर। यह मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। अगर आप मथुरा में हैं या मथुरा जाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है आपके घूमने के लिए, आप यहाँ भी जा सकते हैं। चौथा है द्वारिकाधीश टेम्पल। अगर मथुरा में है, मथुरा का सबसे पवित्र मंदिरों में से यह एक मंदिर है। अगर आप मथुरा जाएँ तो ये भी आपके लिए काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है मथुरा की, वो है बिरला मंदिर। ये डेडिकेटेड है गीता के लिए, पवित्र ग्रंथ गीता के लिए। अगर आप मथुरा में हैं या मथुरा जाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी आकर्षक जगह हो सकती है आपके घूमने के लिए। अगला है रंगजी टेम्पल। ये डेडिकेटेड है गोड़ा रंगजी के लिए, ये भी काफ़ी आकर्षक जगह हो सकती है आपके घूमने के लिए, आप यहाँ भी जा सकते हैं मथुरा में। अगला है मथुरा की जामा मस्जिद। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है। ये बनवाई गई थी नबीर खान द्वारा 1661 में, जो कि औरंगजेब का गवर्नर था। अगला है सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक राधा कुंड। राधा कुंड गोवर्धन पर्वत के पास स्थित है। अगर आप मथुरा जाएँ तो ये काफ़ी जा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ की काफ़ी फेमस जगहों में से एक है राधा कुंड। मथुरा का अगला विजिटिंग प्लेस है कुसुम सरोवर। अगर आप मथुरा जाएं तो यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है मथुरा। कुसुम सरोवर गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के बीच में स्थित है। अगर आप जाएं तो यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी आकर्षक जगहों में से एक है मथुरा की। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा विजिटिंग प्लेस हो सकता है मथुरा में। अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट, यह है राधा वल्लभ मंदिर। अगर आप मथुरा जाएँ तो यहाँ भी जा सकते हैं। मथुरा में गौतम नगर में ये मंदिर स्थित है। अगर आप मथुरा जाएं या फिर मथुरा में हैं तो आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। काफ़ी आकर्षित विजिटिंग प्लेस है मथुरा का। सो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट के लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यस आई वांट या फिर यस मुझे चाहिए। इसका अगला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा कल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो उनके साथ में जो आप मथुरा में है और उन्हें पता नहीं है कि मथुरा में कौन कौन सी जगह हैं या जहाँ घूम सकते हैं, या फिर जो मथुरा जाना चाहता है और जानना चाहता है कि कौन सी जगह हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। बस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।